हम बाहर से आए हैं लेकिन पानी पीने के लिए ये लगाए थे वाटर कूलर तो लगाए हैं, कॉइन तो डाल रहे हैं लेकिन कॉइन डालने के बाद पानी तो आ रहा है, कॉइन ही बाहर आ रहा है, पानी तो नहीं आ रहा है। इसमें हर जगह लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है, हर जगह मंडी में लगे हैं, हर जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, पानी तो इसमें आता ही नहीं है, खाली कॉइन डालो कॉइन ही बाहर आ रहा है। ये लगाया किसके लिए, गर्मी आ रही है, इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है, उसमें पानी पीने के लिए हर बंदे को पानी की ज़रूरत है, तो पानी है ही नहीं है, तो इतना पैसा खर्च करके सरकार ने ये लगवाए हैं तो किसके लिए लगवाए हैं। सर पहले तो ये जो एटीएम मशीन लगी है, जो देखो हज़ारों की तादाद में विभिन्न देशों से लोग यहाँ पर्यटक अपने माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, तो मंदिर आते हैं, मंदिरों का शहर माना जाता है और बड़े विस्तार से लोग इधर आते हैं पहुँचते हैं और पानी की व्यवस्था इधर कम से कम है। देखो ये एटीएम मशीनें तो जहाँ लग चुकी हैं मगर अभी इसमें पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत कम है, अभी ये शुरू ही नहीं हुआ। 5 के अपने साइंस कॉलेज से लेके नहर तक से लेके केसी तक से लगे हैं मगर इसमें क्या है कि पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। देखो पर्याप्त मात्रा में देखो जो टेम्परेचर है 40 के डिग्री के करीब पहुंच चुका है, तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी ओपन करवाएं और पानी की सुविधा लोगों को मुहैया करवाएँ। तो हाँ, तो मैंने ये तकरीबन हम यहाँ देखते हैं कि लोग आते हैं, उनको लोगों को इतना पता ही नहीं होता, तो वो क्या करते हैं बेचारे इसमें कॉइन डाल देते हैं, तो बाद में पानी इसमें होता ही नहीं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और लोगों को राहत मिले, थोड़ी पानी की सुविधा मिले। मगर गवर्नमेंट ने जो भी वाटर कूलर जहाँ पे लगाए हुए हैं जहाँ से कोई भी चालू नहीं है, अगर लगाए हैं इनको तो चालू करना चाहिए। अब गर्मी का सीज़न है और ख़ास करके ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से दूर दूर के लोग जहाँ आते हैं माता के दर्शनों के लिए आते हैं, अगर अखनूर के लिए जाते हैं, कटरा के लिए या उधमपुर के लिए जाते हैं, उनका स्टाफ मेन यही है और साथ में स्कूल है, तो इन्होंने वाटर कूलर लगाया इसको चालू नहीं किया, तो लोग आते हैं देखते हैं हाथ लगा के बोतल लेके फिर उदास होकर चले जाते हैं। तो मेयर साहब को चाहिए अगर ये लगवाए इनका जरूर इस्तेमाल होना चाहिए और चालू होना चाहिए, लोगों को पानी की राहत मिले। टेम्परेचर कहाँ पे जा रहा है, 40 के डिग्री के पार टेम्परेचर है, लोग 20 रुपये खर्चने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लोगों का किसी को पैसे नहीं होते, 20 रुपये के 10 रुपये भी नहीं होते, वो नहीं ले सकता पानी की बोतल, तो लेकिन इसलिए अगर लगाए इसको चालू करने जल्द से जल्द होना। बाकी बात यह है कि यहाँ से बीसी रोड पे से लेके जीवल तक 4-5 जहाँ पे वाटर कूलर लगे हैं, ये कहाँ पे भी चालू नहीं है, तो लगाने का क्या फ़ायदा अगर चालू नहीं करने हैं। तो चलिए, तो यही अच्छा था जो हमने लगाया था, अपना वाटर कूलर लगाया था, नल लगाया था, लोगों को उससे ज़्यादा सुविधा मिलती थी। अगर गवर्नमेंट लगा रही है इसको चालू करना चाहिए, जल्द से चालू किया जाए। और इधर वाटर कूलर लगा है एटीएम का, ये कम से कम भी 2 महीने हो गया, लोग आते हैं जाते हैं कॉइन डालते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता, बड़े टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, लोग काफ़ी जाने के इधर दुविधा में रहते हैं, सुविधा कोई नहीं आती, लोग दुविधा में पानी के लिए जीवल से ढूंढते बस स्टैंड तक पहुँचते हैं लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता। कैसे होते हैं लोग, बच्चों के साथ होते हैं लेकिन किसी को पानी नहीं मिलता, कई ऐसे भूले भटके होते हैं वो कॉइन डालते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। इधर पहले फ्रिज लगा हुआ था, जब से ये रोड बना है फ्रिज उखाड़ दिया है और इन्होंने अपना लगाया, अपने में इन्होंने पानी नहीं डाला, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम इतनी हो रही है, कोई इतना प्यासा आता है उसको पानी नहीं मिलता।